नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फूड कॉर्नर में। आज हम बनाएंगे मूंगफली की चटनी। 5 मिनट में तैयार हो जाने वाली इस चटनी को आप डोसा, इडली, पकोड़े, ढोकला या किसी भी नाश्ते के साथ खा सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार हैं: मूंगफली 150 ग्राम, उड़द की दाल 1 चम्मच, हरी मिर्च 2 या 4, अदरक 2 इंच, सरसों के दाने 1 चम्मच, तेल 1/2 चम्मच, करी पत्ते 8 से 10 और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम कढ़ाई में मूंगफली डालेंगे। प्रोटीन से भरपूर इन मूंगफलियों को मैं धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। मूंगफली कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है और साथ ही तनाव से भी राहत देती है। ये मूंगफली अच्छी तरह रोस्ट हो गई है। अब इसके छिलके उतार लीजिए। ये देखिए, एक साफ कपड़े के अंदर मूंगफली को मसलते हुए मैं इसके छिलके उतार रही हूँ। बड़ी आसानी से छिलके उतर जाएंगे। इनको मैं पीसने के लिए जार में डाल रही हूँ। औषधीय गुणों से भरपूर अदरक और ये कुछ हरी मिर्च, ये मैं डाल रही हूँ करी पत्ते। इनमें पर्याप्त मात्रा में आयरन, विटामिन और कैल्शियम भी होता है। थोड़ा सा नमक डालिए। ये मैं इसमें लगभग 100 ml पानी डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालें, क्योंकि बादाम पानी को सोख लेता है और चटनी बाद में गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। आप इसे दरदरा या महीन अपनी इच्छा के अनुरूप पीस लीजिए। अब तड़के के लिए 1/2 चम्मच तेल डालिए। मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी कुकिंग ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मैं सरसों के दाने डाल रही हूँ, ये कुछ करी पत्ते। अब मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च और ये 1 चम्मच उड़द की दाल। उड़द की दाल सांस की परेशानी में लाभदायक होती है। लगभग 2 मिनट में गैस बंद कर दीजिए। चलिए तड़के को मिलाते हैं पिसी हुई मूँगफली में। इस तरह से आप तड़के को मूँगफली के पेस्ट में मिला दें। मूंगफली की पौष्टिक चटनी तैयार है। इस हेल्दी रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। दोस्तों, आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।